नमस्कार। आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2019 में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे कि आणविक सूत्र का आंकित रचना है। यदि हमें आणविक सूत्र ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद उसमें जो भी तत्व है, जितने भी परमाणु या अणु उपस्थित हैं उसमें, तो उनकी उसमें कितनी सत्ता है, उनका योगदान उनका कितना प्रसिद्ध है। जैसे कि कोई सॉल्यूशन बना है, कोई विलयन बना हुआ है या कोई यौगिक बना हुआ है, तो उस यौगिक में जैसे कि KClO3 की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो हम देखते हैं इसमें पोटेशियम क्लोराइड में K है, Cl है, O ऑक्सीजन है, तो इसे पोटेशियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो पोटेशियम की कितनी प्रसिद्ध रचना है KClO3 में, क्लोरीन की कितनी प्रसिद्ध रचना है KClO3 में, और ऑक्सीजन की कितनी प्रसिद्ध रचना है KClO3 में। तो इसके लिए हम सबसे बहुत ही सिंपल विधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 में प्रतिशत रचना ज्ञात करनी है, प्रतिशत रचना ज्ञात करनी है जबकि K का अणुभार 39 यानी 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 अणुभार हमें दिया होगा। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये अणुभार दिया हो या नहीं भी दिया हो, लेकिन फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस KClO3 को लिख लेंगे और इस KClO3 की हम अणुभार याद करेंगे। तो सबसे पहले K है तो K लिख देंगे, प्लस कर देंगे Cl O3 अर्थात इसमें पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन के 3, यानी पोटेशियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसमें उपस्थित है KClO3 में। हम अब इसका अणुभार याद करें तो इसमें क्या करेंगे, K का यहां पर परमाणु भार दिया गया है 39, यहां पर दिया गया है पहले से ही, Cl का 35.5 है ये भी हमें पहले से ज्ञात दिया है, हमें याद है, और ऑक्सीजन का 16 × 3, तो अब करेंगे 16 × 3 को हम 16 × 48 यानी 48, इन सबको जोड़ेंगे तो 10.5, 8 × 5 = 13, 13 × 9 = 22, 22 × 2 हासिल की 2, अब क्या हुआ 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 2 = 12, यानी इसका अणुभार आ गया 12.122.5, अणुभार याद कर लिया KClO3 का। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक तत्व की इस K की, Cl की और O3 की प्रतिशत रचना ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए करेंगे KClO3 की इन तत्वों की प्रतिशत रचना ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लेंगे K के लिए, इसके लिए लेंगे K के लिए यानी पोटेशियम के लिए, तो इस 122.5 अणुभार में KClO3 में K का प्रतिशत भाग कितना है 39, आपको ये पता है कितना है 39 है इस पूरे में, यानी टोटल इसका अणुभार कितना बन रहा है 122.5, तो 122.5 में केवल पोटेशियम का जो हिस्सा है वो 39 है, यानी अणुभार उसका 39 है। तो एक भाग के लिए क्या करेंगे, तो एक भाग पोटेशियम क्लोरेट में K का भाग क्या हो जाएगा 39 बटे इस संख्या का भाग दे देते हैं, प्रतिशत आपने ज्ञात करने के बताया हुआ, तो 39 बटे 122.5, इसलिए 100 भाग में जब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 पे निकालते हैं, तो 100 पे निकालने के 100 भाग में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 39 × 100 / 100 / 122.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 39 से गुणा 100 से करेंगे तो 3900 हो जाएगा और 122.5 का भाग दे देंगे इसमें, तो देखिए जब इसका दशमलव हटाएंगे यहां से तो 0 बढ़ जाएगा, अब 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 39001225। अब देखिए यहां कितना है 12, इतनी बड़ी संख्या का भाग देना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए हम
ट्रिक अपनाते हैं इसके लिए, और यहाँ कितना है 39। तो 12 की टेबल पढ़ेंगे या 12 का पहाड़ पढ़ेंगे तो 12 × 24 और 12 × 36 और 12 × 48 तो 48 यहां ज्यादा हो जाएगा, 12 × 36 ही ठीक रहेगा क्योंकि 39 से 36 कम है। तो 3 बार भाग दे देंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 6, 6 × 7, 3 × 6 और 3 × 1 = 3 बताइए 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहां रह गए 9, 9 में से 2 तो 7 गए तो 2 बचे, यहां रह गए 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचे। अब क्या करेंगे, एक अगला अंक उतार लेंगे इसको। अब ये 12 25 है और ये 2250 है तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, 12 × 24 नहीं जा सकता, एक बार ही दे देंगे इसको। तो ये ज्योति तो संख्या लिख जाएगी, घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 4 × 4 = 2 गए तो 2 बचे, और यहां क्या रह गया 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1, 1025। 10 मतलब लगा देंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी, तो 0 बढ़ाने पर आप देखेंगे इसको तो क्या करेंगे, 12 की टेबल ऐसी पढ़ें जो कि 102 से क्रॉस ना करें, कम ही रहे। 12 × 8 = 96, 12 कितने होते 96, तो 8 बार देखिए देखें तो 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16, 16 × 4 = 20, 2 8 × 16 17 × 18, 1 और 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 9 हो सकता है, पूरा क्लियर हो जाएगा, बता के देखें 0 5, अब यहां हुआ 12 में डेगे 4 बचे और यहां 9 आ गए तो 450, यानी 10 मतलब के एक अंक तक हम दे दें तो उससे राउंड फिगर निकल आएगा। तो हम देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट में पोटेशियम की प्रतिशत रचना हुई 31.8%। ये हमें ज्ञात हो गया कि तत्व की हम प्रतिशत रचना ज्ञात करें तो 1.2225 ग्राम भाग में KCl3 में K का भाग बराबर 39, तो एक भाग के लिए क्या हो जाएगा 39/122.5 और 100 भाग पर निकालेंगे तो 122.5/100 इसका भाग देकर के दे दिया तो हम ज्ञात हो गया हमें। अब इसको मैं रफ्तार को डिलीट करता हूं, तो ये निकल आया। उसी प्रकार हम क्लोरीन के लिए निकालेंगे सेकंड टाइम, किसके लिए Cl के लिए, Cl के लिए देखें प्रतिशत रचना, तो क्या हो जाएगा 122.5 भाग KClO3 में Cl का भाग बराबर कितना है 35.5, यानी इस KClO3 में ये 35.5 ही है ये, तो एक भाग और बार वाले में कितना हो जाएगा 35.5/122.5, तो 100 बार वाले में कितना हो जाएगा, जो प्रतिशतता हमेशा 100 पे निकाली जाती है तो क्या हो जाएगा 35.5 × 100/122.5। जब यहां पर 2 अनुपात 10 मतलब है तो हटा देंगे, ठीक सॉल्यूशन करें 35.5, 100 को गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, 122
122 पांच दशमलव तो हट ही गया। अब हम देखें ऐसे भी कर सकते हैं, एक अंतरिक्ष दो का बड़ा बाद में दे देंगे एक पदर, या फिर दो का बड़ा कर लें तब ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दशमलव के बाद में जीरो की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, तो हमने इसको डायरेक्ट ही कर लिया, कोई बात नहीं। अब इसमें भाग देके देखिए 1225 का 35, तो 12 का देखे हो यहाँ कितना 35 है, तो 12 दूनी 24, 12 किया 36, तो तीन बार जा रहा है तो 36 ज्यादा हो जाएगा। देखें 122 पांच में तीन बार देखें, 3 5 15, 1 3 6 7, 3 6 6 3 1 3, ये 36 75 आ गया। यहां कितना है 35 50 है, तो दो बार ही भाग देना उचित रहेगा, दो बार भाग से देंगे, दो बार में भाग देंगे तो क्या आएगा 35 500 / 22 5, दो बार दे दीजिए, 2 5 10 की 0, हासिल 1, 2 2 4 4 1 5, और 2 2 4, और 2 1 2, घटा दीजिए 0 का 0, 5 5 गया 0, 5 में 4 गया 1, और 3 में 2 गया 1, 1100। अब एक अंक और उतार लेंगे, अब देखिए यहां हो गया 110, यहां 122, तो लगभग कितने बार चला जाएगा देखें हम, 9 बार देखिए, देखें 9 बार दे रहे, 9 5 45 के 5, हासिल 4, 9 18 18 19 20 21 22, हासिल 2, 9 18 19 20 20 की 0, हासिल 2, और 9 1 9 10 11। अब वैसे तो ये 8 बार जाना चाहिए क्योंकि इसमें 25 ज्यादा हो रहा है, तो हम राउंड फिगर भी इसको 290 लिख सकते हैं, राउंड फिगर, वैसे 28 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम इसको राउंड फिगर 29 भी लिख सकते हैं, तो लगभग ये 29 बार कट जाएगा, लगभग 29 प्लस सब लगभग लगभग हमने इसीलिए लिखा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप फिर इसमें मिस्टेक निकालने की कोशिश करेंगे, लगभग लिख दिया हमने, आपने ये ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम तीसरा तत्व ज्ञात करेंगे, किसके लिए, O3 के लिए, प्रतिशत रचना, रचना ज्ञात करनी है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, 122.5 भाग KClO3 में O3 बराबर कितनी है 48, यदि गया 48, तो एक भाग में कितनी हो जाएगी 48 / 122.5, तो 100 भाग में कितनी हो जाएगी 48 × 100 / 122.5। हम कैलकुलेशन और करें इसको आगे, तो हम कर सकते हैं कि इसको कितने बार काटेंगे, तो हम इधर लिख देते हैं 4800 / 122.5, दशमलव उठाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और इसको काटेंगे भाग देंगे तो लगभग ये आएगा 39 के समथिंग आएगा, 39%, कितना आएगा 39% आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी दिए गए यौगिक का प्रतिशत रचना ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आपको सोनू सर ने आपको इसके बारे में बताया भी होगा, और इसका हम यदि सत्यापन करें तो देख लें सत्यापन सही है या नहीं है, इसको देख लें हम, देखो मैं इधर बता दे रहा हूं, ये तीनों की प्रतिशतता जो आई है, इसकी 31.8 आई है,
इसकी कितनी आई है 29 समथिंग और इसका कितना आ रहा है 39 दशमलव 8 9 और 18 19 के 9 1 और 3 और 2 5 6 7 8 1 9 99.8% लगभग आ गया क्योंकि हमने यहां पर लगभग नहीं लिया तो इसलिए 100% के समथिंग है तो ये हमारे फॉर्मूला या इसकी संरचना बिल्कुल ठीक है क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक यदि हम भाग दें तो वो लगभग शुद्ध माना जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न रचना वाले भाग में बहुत अच्छी बात देखी, एक बार फिर देख लीजिए इस उदाहरण को। हमें आणविक सूत्र याद करना है और उनकी प्रश्न रचना ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि उदाहरण दिया गया कि पोटेशियम क्लोराइड यानी CClO3 में का प्रश्न रचना ज्ञात करनी है और उसमें दिया गया है कि के बराबर 39 अणुभार दिया गया है, इसका एटॉमिक वेट दिया गया है, क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक वेट दिया गया है और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक वेट दिया गया है। ये हमें आवर्त सारणी के द्वारा हमें पहले से ही ज्ञात है। अब देखिए KClO3 का अणुभार निकालेंगे तो K प्लस Cl प्लस O3 अणुभार में पहले निकालना बता चुका हूं, इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे 122.5 अणुभार आ गया। अब इनकी प्रश्न रचना ज्ञात करेंगे तो तत्वों की प्रश्न रचना करेंगे, सबसे पहले मैंने बताइए पोटेशियम के लिए तो 122.5 भाग KClO3 में K का भाग बराबर 39 है तो एक भाग में क्या हो जाएगा 39/122.5 भाग 100 भाग में 100 पे निकालते हैं 100% में तो 39 × 100/122.5 भाग। अब इसको हम क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे इसमें तो 39/100/122.5 जब यहाँ से 10% बढ़ाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी और इसका भाग इस संख्या में देंगे तो 31.8% आ गया। यानी इस KClO3 में पोटेशियम की प्रसर रचना 31.8% है। इसी प्रकार सीएल के लिए क्लोरीन के लिए देखें तो क्लोरीन के लिए प्रसर रचना ज्ञात करेंगे तो 122.5 भाग पोटेशियम क्लोरेट में सीएल का भाग बराबर 35.5 भाग तो एक भाग में ज्ञात करेंगे तो 122.5 का भाग दे देंगे 35 में 10.5 में तो फिर क्या है 100 भाग पर निकालेंगे तो 35.5 × 100/122.5 तो 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35.500 यानी 1.0 बढ़ गया 22/122 का भाग देंगे तो लगभग 39 लगभग आ जाएगा 39% आ जाएगा। इस प्रकार O3 की ज्ञात कर लेंगे तो O3 की ज्ञात होगी हमारे पास कितनी आई 39% और ये भाग आया 29%। अब तीनों का हम जोड़ करके देख लें हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है तो उसके लिए हम जितनी भी आई है ये पोटेशियम की प्रतिशत आई है, ये के की है, ये सीएल की है, ये O3 की है, देख रहे हैं लगभग 100% के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार आज हमने सीखा आणविक सूत्रों और उसकी आंकिक रचनाओं के बारे में। हम उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसके बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा और आप लोग जान गए होंगे। अब मैं आपको प्रश्न रचना और मूलानुपाती के सूत्र के बारे में बता रहा हूं, मदद करता हूं। प्रतिशत रचना तथा मूलानुपाती सूत्र प्रश्न दिया गया है
एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना, एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना CA बराबर 40, 40% कार्बन बराबर 12% और ऑक्सीजन बराबर 48% है, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल का निर्माण करेंगे और ये टेबल जब निर्माण इसका हो जाएगा तो हमें बहुत ही आसानी से ये हमें कैलकुलेशन करने में मदद देगी। ये क्रमांक कर दें, क्रमांक करने के बाद हम लिखें तत्व, फिर करते हैं हम प्रतिशतता, फिर करते हैं अणुभार, फिर करते हैं हम प्रतिशतता बटे अणुभार, और फिर करते हैं हम परमाणुओं में सरल अनुपात। ये आपका 43 पर पेज पर है क्वेश्चन। तत्व है हमारे तीन, बहुत ही सिंपल है। अभी तक हमें प्रतिशत रचना ज्ञात नहीं थी, हमें अणुभार से ज्ञात करने के बाद हमने प्रतिशत रचना निकाली थी और हमें एक मूलानुपाती सूत्र दिया गया था। इसमें उल्टा है, इसमें प्रतिशतता दी गई है, तो मूलानुपाती सूत्र यानी उसका आणविक सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो तत्व कौन कौन से हैं, CA है, कैल्शियम है, दूसरा कौन सा है कार्बन है, तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन है। इसकी प्रतिशत रचना दी है 40%, इसकी 12% और इसकी 48%। पहले तो मैं इसी प्रतिशतता से मैं आपको सीधा बता दूंगा, लेकिन इसको सारणीबद्ध तरीके से यानी टेबल नुमा कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको बताने जा रहा हूं। कैल्शियम का अणुभार हमें पता है कि 40 ही होता है एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रतिशतता बटे प्रतिशतता कितनी है इसकी 40/40, 12/12 और 48/16 कितना आएगा देखिए, 40 से 40 एक बार कट जाएगा, 12 से 12 एक बार कटेगा और 16 दिया 48, लगभग 3 बार कट जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें सबसे जो छोटी संख्या होती है इन तीनों में, उनमें से जो छोटी संख्या होती है उसका प्रत्येक भागफल में भाग दे देते हैं। अब यहां पे एक भी छोटी है और यहां एक भी छोटी है, तो उसमें एक है सबसे छोटी संख्या एक है, तो हम क्या कर देंगे 1/1 कर देंगे 1/1 और ये कर देंगे 3/1। एक का एक में देंगे एक आ जाएगा, एक का एक में भाग देंगे तो एक ही आएगा, जब 3 का भाग एक में देंगे तो 3 आ जाएगा,
तो उससे ज्ञात हो रहा है कि सीए एक भाग है ऑक्सीजन सॉरी कार्बन एक भाग और ऑक्सीजन तीन भाग है। तो हम एक को हमेशा लिखते नहीं है, तो इसको लिख देंगे सीए सीओ थ्री, अर्थात ये कैल्शियम क्लोरेट बना। कैल्शियम क्लोरेट अर्थात एक यही सरलपात हमें याद हो गया कि इस पूरी संरचना में कैल्शियम का एक भाग कार्बन का एक भाग और ऑक्सीजन के तीन भाग उपस्थित हैं। नीचे देख लीजिए कार्बन का एक ही है, कैल्शियम की संरचना 40 है और बार भी 40 है, तो 40 40 एक बार डिवाइड हो जाएगा। कार्बन का और बार 12 है और 12 ही इसकी संरचना है, तो 100 में से 12 है तो यानी एक ही भाग ये भी है। और ये 16 होता है ऑक्सीजन, तो इसका 48 है, इसका तीन गुना है, तो जब ये एक गुना है तो ये केवल तीन गुना है। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे सीए का एक भाग एक अनुपात कैल्शियम का एक ऑक्सीजन का तीन, तो सीए सीओ थ्री कैल्शियम क्लोरेट का ये उसका सूत्र हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं सीए सीओ थ्री, ठीक है। इस यौगिक का मूल अनुपात सूत्र हो गया, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हुआ सीए सीओ थ्री। देखिए आज आपने इसको देखा पढ़ा सीखा, तो जब हम असत रचना होती है तो उसे मूलानुपाती कैसे याद करते हैं, आणविक भार होते हैं तो उनसे उनकी प्रसत्ता कैसे याद करते हैं, इसके बारे में बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। और एक बार जो आपको समस्या आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर यहाँ समस्या आ रही है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। और आप लोगों से मैं कहूंगा कि घर पर पढ़ते रहें, क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम अक्टूबर माह में होने जा रहे हैं। उससे पहले जब भी आप कॉलेज आएंगे तो आपको यूनिट टेस्ट देने होंगे, क्योंकि मूल्यांकन यूनिट टेस्ट के आधार पर ही आपका किया जाता है। तो यूनिट टेस्ट तीन आपको देने हैं, तो इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी आपको हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं वह सभी आपको यूनिट टेस्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी यूनिट टेस्ट आपसे दिए जाएंगे और आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग इस मंथ के एंड में हम आपका सेकंड सेमेस्टर का सारा सिलेबस समाप्त कर देंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसको क्लियर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।